ममता दीदी के राज में भ्रष्टाचार, बलात्कार, अत्याचार बढ़ गया है, उनका कुकर्म चरण हो गया, चरणबद्ध हो गया है। ममता बनर्जी अपना पुनः इस्तीफा दे, और नहीं तो उनको हम लोग इस बार विधानसभा में सिखाएंगे कि महिलाओं का अपमान करना बंद करे। भारत में नारी शक्ति सर्वोपरि है, लेकिन उनके सरकार में, ममता बनर्जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बीजेपी की महिला मोर्चा की तरफ से ममता बनर्जी का पुतला दहन किया जा रहा है, और तमाम महिला प्रकोष्ठ की जो कार्यकर्ता है बीजेपी की, वो लोग आज पहुंची हुई है और पुतला दहन कर रही है। ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन कर रही है ये लोग, और ममता बनर्जी के खिलाफ नारे भी लगा रही हैं। जो जेल में है वो महिलाएं जा रही है, उनके टीएमसी के गुंडा, उनके टीएमसी के कार्यकर्ता जो सरेआम महिलाओं के इस तरह से अपमान कर रही हैं, और वो संदेश खाली एक गांव है जहां पर इसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बहनों ने गया और उनके साथ उनको जेल में रखने का काम कर रही है। ये क्या लोकतंत्र है जहाँ पर महिलाएं असुरक्षित है, और स्वयं महिला होते हुए महिला का इज्जत का परवाह नहीं कर रही है। ममता दीदी को कहना चाहती हूँ इस मंच के आप सबों के माध्यम से, आप महिला हो, महिला का सम्मान नहीं है तो आप इस्तीफा दो, क्योंकि आपके कार्यकाल में इतना घिनौना, इतना गुंडा, इतना भ्रष्टाचारी, वहाँ पर टीएमसी का जो कार्यकर्ता है वो सरेआम गुंडा की तरह नाच रहा है, और बहु बेटियों की इज्जत लूटने की कोशिश कर रही है। जेल में सरेआम महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही है, और महिला कार्यकर्ता जब जा रही है बचाने के लिए तो उनको जेल में रख दिया जा रहा है। इसी के विरोध में आज ममता दीदी का पुतला दहन है। देखिए ममता दीदी की इतनी नाराजगी आप लोगों की, ममता जी से क्यों है? ममता दीदी के राज में भ्रष्टाचार, बलात्कार, अत्याचार बढ़ गया है, उनका कुकर्म चरण हो गया, चरणबद्ध हो गया है, और इसी के लिए उनका आज हम लोग ने पुतला फूका है, और पूरे भारतवासियों हम लोग निरंतर है कि ममता बनर्जी अपना पुनः इस्तीफा दे, और नहीं तो उनको हम लोग इस बार विधानसभा में सिखाएंगे कि महिलाओं का अपमान करना बंद करे। अच्छा, आप लोग पुतला दहन कर रही हैं, मामला क्या है इस तरीके से आप लोग? अब ये बंद होना, जेल में महिलाओं को गर्भवती किया जा रहा है, महिलाओं पर रेप किया जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, और लोगों का जमीन हड़पा जा रहा है टीएमसी के गुंडों के द्वारा। इसी के लिए हम लोग आज उन ममता बनर्जी, भारत में नारी शक्ति सर्वोपरि है, लेकिन उनके सरकार में, ममता बनर्जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जेल में उनके साथ शोषण हो रहा है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें देखना चाहिए, वो भी एक महिला है, महिलाओं का शोषण बंद करिए, भारत में रह रही है, भारत की नारी है वो, अब बोलेंगे कि आप सुधर जाइए, वरना लगातार आपका इसी तरह से विरोध होता रहेगा, और वो भी कार्रवाई होगी उनके ऊपर। नहीं है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहने का, यहाँ पे भी जो है महिला रहती थी, लड़कियाँ रहती थी, उनके साथ हुआ था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो उनका कार्रवाई हुई। आपने देखा कि कहाँ कहाँ से महिला एसपी ने उस समय किया, उखाड़ उखाड़ करके गड्ढा खोद के निकालने का काम किया, उनको जेल भेजा गया, और अब न्यायिक प्रक्रिया में है, न्यायालय कार्रवाई कर रही है। लगभग 40,000 महिलाएं गायब हुई, लगभग 4-5 साल के अंदर, उस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज पुतला दहन किया इन्होंने, जिस तरीके से जो जेल में महिलाओं के प्रेग्नेंट होने की जो खबर निकल करके सामने आए, उस पर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, ये इनका आरोप है, और कह रही है कि ऐसी महिला को मुख्यमंत्री रहने का कोई हक नहीं जो महिलाओं के लिए आवाज़ नहीं उठा सके। फिलहाल ये बीजेपी की तमाम महिला प्रकोष्ठ की कार्यकर्ताएं महिलाएं थी जो आज ममता बनर्जी का पुतला दहन कर चुकी हैं, और मांग कर रही है उनसे कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दें। तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है फर्स्ट बिहार के साथ, मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।